हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपको 20 फीट बाय 30 फीट का हाउस प्लान है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है। इसमें हर एक चीज आपको प्रॉपर वे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे बात कर लेते हैं, पीछे में आपको एक बेडरूम मिलेगा, किचन मिलेगा, यहाँ पे आपको टॉयलेट का सेटअप और इस घर में काफी बड़ा सा आपको हाउस देख सकते हैं, हॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका सीढ़ी का सेटअप रहेगा, ये आपका गेस्ट रूम रहेगा, ठीक है। हमने गेस्ट रूम का जो एंट्री है अंदर से किया है, आप चाहे तो एक बाहर से भी गेस्ट रूम जो अपना है, इसमें एक अंदर एक बाहर से भी एंट्री का सेटअप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस हाउस प्लान को डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगर प्लिंथ लेवल की ये हाइट की बात करें तो आपको 2.5 फीट का हाइट देखने को मिलता है। प्लिंथ लेवल की हाइट जो क्यों 2.5 से 3 फीट दिया जाता है, क्यों ज़्यादा भी लोग देते हैं, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हाउस प्लान का जो कॉलम है वो खड़ा करते हैं, सारा डिटेल वन बाय वन करके हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो कॉलम का हाइट रहेगा वो आपको 10 फीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 10 फीट का कॉलम देखने को मिलता है। इसी तरीके से सारे कॉलम हम खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम सारा कॉलम को बना लेंगे, उसके बाद से हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि क्यों किस तरीके से सारा चीज़ें है, ठीक है। देख सकते हैं जो कॉलम की साइज है वो 9 इंच बाय 9 इंच की है, ठीक है। आप भी घर बनाएं तो आप अपने कॉलम की साइज 9 इंच बाय 9 इंच का दे सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आउटर वॉल की, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताते हैं जो कॉलम रहेगा इसमें 4 सरिया डालना है, 12 का जो सीधा वाला सरिया यानी रहेगा जो वर्टिकल, और इसमें 10 mm का सरिया का रिंग बना के आपको 6 इंच की स्पेसिंग पे बांध देना है, ठीक है। ये आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। अभी चलिए आउटर का जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटर का वॉल बना रहे हैं। दोस्तों कभी भी आप आउटर दीवार जब बनाएं तो उसमें ध्यान रखें जो आपकी दीवार की साइज रहनी चाहिए वो 9 इंच का रहना चाहिए। उससे बहुत बेनिफिट है, जैसे कि अगर जो आपका घर का जो सेफ्टी पर्पज से अच्छा रहेगा ही रहेगा। जब आपको जब ज़्यादा बारिश होता है तो घर का जो जब पेंट करवाए रहते हैं आप, उसका पेंट खराब होने लगता है। तो पेंट खराब नहीं होगा, अंदर की जो सीलन की समस्या नहीं घर में देखने को मिलेगी, ये सब सारा चीज़ें आपको फायदा करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटर की वॉल हमने क्रिएट कर दिया। अभी देख सकते हैं जो प्लिंथ लेवल की हम बात कर रहे थे, ये वाला लेवल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये यानी आपके घर की जो हाइट है ये हाइट दर्शाता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है, जो आपके घर में जो वेस्ट वाटर जैसे किचन का पानी, बाथरूम का, टॉयलेट का पानी, ये सब सारा पानी इतना हाइट पर रहेगा तो इजीली घर से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की वाटर लॉगिंग यानी पानी की जो घर में रुकावट है उससे छुटकारा आपको हमेशा रहेगा। तो इसलिए आप अपने घर को अपने जो घर के सामने का रोड है उससे हाइट पर रखें, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो पार्टीशन वॉल है अंदर का, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पार्टीशन वॉल को हम बना लेते हैं, उसके बाद से हम आपको डोर विंडो का भी सेटअप करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये अंदर की जो वॉल है उसको भी हमने बना दिया। देख सकते हैं पीछे में बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए आपको यहाँ पे डोर का भी सेटअप देखने को मिलता है। तो डोर की अगर जो हम बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कट हो गया। यहाँ पर आपको हाइट की बात करें तो ये आपको 7 फीट हाइट है, और चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट 3 इंच की चौड़ाई आपको ये हाउस प्लान में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी इस साइड से आपका ये किचन है, तो देख सकते हैं किचन के लिए सेम फंदा है, बशर्ते किचन की जो यहाँ पे देख सकते हैं इसको कनेक्ट करा दिया, और किचन की जो साइज है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसको हम किचन को हम आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छा से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए किचन आपका इधर से है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो स्लैब है वो किस तरीके से रहेगा, देख सकते हैं किचन का जो स्लैब है कुछ इस तरीके से रहेगा, जाके आप अंदर में खाना बना लें, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका हाल है, काफ़ी बड़ा सा हाल है, ठीक है। डायमेंशन डिटेल भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे चीज़ का डायमेंशन हम आपको एकदम वन बाय वन करके बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपका टॉयलेट है, कुछ इस तरीके से टॉयलेट का सेटअप हो गया, ठीक है। अभी एक गेस्ट रूम है, तो देख सकते हैं गेस्ट रूम के लिए भी यहाँ पे हमने एक डोर का सेटअप दे दिया अंदर से। अभी हम आपको इसी प्लान में आपको बाहर से भी डोर का फंक्शन यानी डोर से एक ऑप्शन दे के दिखाएंगे कि किस तरीके से आप डोर लगा सकते हैं बाहर से भी एक डोर, ये गेस्ट रूम के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेन डोर का भी हमने यहाँ पे दे दिया। अगर गेस्ट रूम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है। गेस्ट रूम का अगर जो हम बात करें ये अपना डोर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप डोर लगा सकते हैं गेस्ट रूम के लिए, ये कुछ इस तरीके से
तो इसको भी हम यहाँ से कट करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए, बाहर से भी एक आपको मेन गेस्ट रूम के लिए डोर हो गया, एक अंदर से हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी मेहमान आता है तो आपको इधर में जाके आप एंट्री कर लेगा, आपको पूरा घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको डोर लगेगा, मैंने मेन डोर यहाँ जो मेन गेट बोल सकते हैं आप, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ये तो था आज का दोस्तों, ये अभी ये ऊपर ऊपर का प्लान, ठीक है। अभी विंडोज़ की अगर जो हम बात करें तो देख सकते हैं सामने आपको एक विंडो का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसको भी हम सामने का जो विंडो है इसको कट करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सामने में एक विंडो देख लिए, अगर आपका खुद का प्लाट साइड में आपका खुद का प्लाट है तो आप इधर भी विंडो खोल सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं है तो हम नहीं खोलेंगे, अगर रहता तो खोल के दिखाते हैं कि साइड से भी विंडो का कटिंग कर देते हैं, इधर इधर भी पीछे आगे जिधर भी आपका जमीन खुद का हो उधर में आप विंडो का सेटअप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद चलिए हम आपको डायमेंशन डिटेल की बात कर लें। तो देख सकते हैं डायमेंशन सारे रूम का डायमेंशन की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 फीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इस साइड में बात करें तो इससे 9 फीट मिलता है, यानी 10x9 फीट का ये आपको पीछे का एक बेडरूम देखने को मिलता है। और इधर की बात करें तो ये आपका किचन 8 फीट 2 इंच का बाई 9 फीट का ये आपको किचन है, काफ़ी अच्छा है इस हाउस हाल के हिसाब से, ठीक है। देख सकते हैं ये अगर चौड़ाई की हम बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 14 फीट चौड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। और बात करें इधर में तो देख सकते हैं 8 फीट 7 इंच का है, लेकिन अगर जो हम पूरा बात करें थोड़ा सा पिलर में कट रहा है तो 9 फीट का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद ये आप देख सकते हैं ये आपका जो टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट की जो हम साइज़ की बात करें तो 4 फीट है, ठीक है ना। देख सकते हैं 4 फीट चौड़ाई इसकी है, लंबाई की बात करें अगर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई आपको 5 फीट 10 इंच का देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये छोटा सा स्पेस यहाँ पर बच रहा है, थोड़ा सा अगर जो बड़ा छोटा करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये आपका 2 फीट 10 इंच है, यानी आप यहाँ पे हैंड वॉश के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है गेस्ट रूम, गेस्ट रूम की अगर साइज की बात करें तो 9 फीट 10 इंच की चौड़ाई और लंबाई और आपकी चौड़ाई की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 फीट की चौड़ाई देखने को मिलता है, ये आपका गेस्ट रूम का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका फ्रंट है, फ्रंट में ही आपको सीढ़ी का सेटअप देना है, तो अगर यहाँ से यहीं तक की बात करें तो 9 फीट 10 इंच की आपको यहाँ पे चौड़ाई मिलता है। अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देख सकते हैं 8 फीट 2 इंच की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीढ़ी का सेटअप करना है जिससे आप छत पर जाएँ, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा हाउस प्लान बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हाउस प्लान आपका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके का दोस्तों हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे बेनिफिट ये होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।